वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हमारे पास एक बड़े जबरदस्त से फोटोग्राफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नदीम खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नदीम साहब। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फोटोग्राफी, चूंकि हर इंसान से जब सवाल किया जाता है कहते हैं बचपन से शौक था, तो आपको भी बचपन से? हाँ, ऐसा नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बचपन से फोटोग्राफर था, लेकिन यह था कि मैं एक आवारा घर था। अच्छा। मैं वैंडरर था, मुझे नेचर से लव था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे टाइम मिला, मौका मिला, तो मैंने उसको कैप्चर करना शुरू किया। ये ठीक है। तो एक हॉबीस्ट के तौर पे एक फोटोग्राफर बनता गया थोड़ा काम के, लेकिन 88 में मुझे चांस मिला कि मैं जापान जाऊँ, और मैं वहाँ पे एक लंबा स्टे किया, तो इस दौरान मुझे फिर वहाँ पे इसे डिटेल से स्टडी किया, वहाँ कुछ फोटोग्राफर के साथ काम किया, और ये जो हॉबी थी फिर एक प्रोफेशन बन गया। ऐसे जनाब मेरे हाथ में ये बुक है, मैं चाहूंगी कैमरा मैन इसको दिखाएं, सिंध नामा के नाम से ये बुक है, और ये नदीम साहब की बुक है जिन्होंने सिंध के कल्चर पर लिखी है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इंडिया में ये पब्लिश हुई है और इनको वहीं पर काम, इस बुक के हवाले से हमें बताइएगा नदीम। ये इंडिया के कम्युनिटी है जिन्होंने मुझे इसके लिए कंसल्ट किया कि हम एक बुक करना चाहते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं, ये एक एनजीओ है जो 1947 में यहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए थे, तो वो एक एनजीओ के टाइप पे चला रहे हैं सिंध नामा के से, तो उन्होंने ये बुक लिखनी अपनी मेमोरीज पे, अपने फॉर फादर्स जो उन लोग गए थे उनके ऊपर एक स्टोरी बनाई, और उसमें वो तमाम हेरिटेज, वो जगहें जिन पे उनकी कुछ याददाश्तें थी, तो उन्होंने ये इसको एक्सपोज करवाने के लिए फिर मेरे साथ रहा। बेसिकली ये सारा सिंध का कल्चर है। या इसमें सिंध का कल्चर, हेरिटेज, आप देखिए इसमें ईच एंड एवरीथिंग को कवर किया गया। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है रानाहू, ये हमारा पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो सैंड ड्यून है वो हवा के साथ शिफ्ट करती है। अच्छा। या आप अगर आज इधर देख रहे हैं सैंड ड्यून, तो अगले दिन हो सकता है वो नई जगह पे जाके बने हुए हो, तो ये सैंड राना हुआ एक ऐसा एरिया जहाँ पे ये हम lovely, जिसका ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो अच्छा, ट्रेवलिंग तो फिर आपने डेफिनेटली बहुत सारी की होगी, और फोटोग्राफी के लिए तो ट्रेवलिंग बहुत एक कंपल्सरी एलिमेंट है। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान मोस्टली सारा देखा है, फिर दुनिया के बहुत से डिफरेंट मुल्कों में भी जाके मुझे करना पड़ा कुछ काम, असाइनमेंट्स मिलती हैं जब, तो वहाँ पे चला जाता हूँ फिर उनके लिए काम करता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी आपका बेसिकली आप वेडिंग भी कर रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, लैंडस्केप भी कर रहे हैं। असाइनमेंट्स पे काम होता है, और ब्रेड एंड बटर के लिए फिर लाहौर में हो तो फैशन भी करना पड़ता है, वेडिंग भी करनी पड़ती है, और अगर कोई असाइनमेंट मिल जाए तो पैशन तो वही है, फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी के लिए फिर उसके लिए निकल जाता हूँ। इसके लिए मुझे तकरीबन 1.5 साल काम करना पड़ा, और मैं लाहौर को छोड़ के सिंध में चला गया, फिर वहाँ पे काम करता रहा। जबरदस्त, डिफरेंट कल्चर्स भी डेफिनेटली बंदा एक्सप्लोर करता है। देखिए कल्चर ही तो देखने वाली चीज है, यही तो रंग है दुनिया के जो दुनिया में बाकी चले आ रहे हैं और देखे जा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जनाब, नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, सलाफे हमारी कॉलर थी, उन्होंने हमसे कुछ सवाल किया था, हम चाहेंगे जरा जल्दी से उनका भी जवाब दे दें। हाँ, उसमें बेली फैट में सबसे आसान, वाकई में आसान एक्सरसाइज ये है कि सिर्फ और सिर्फ जितना आप वाइड कर सकते हो अपनी लेग्स को, वो आपने किया, अब आपकी स्ट्रेच भी इसमें सही हो जाएगी। वॉरियर पोज में आप आए, जैसे आप अपने हाथों को लिफ्ट किया, सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है खुद को ओन करने की जो फील आती है, और आपने इसको खुद ही को हक कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आपने कि एक चीज मैं बता दूं, साथ ही साथ एक मैसेज भी हो जाए, ये एक्सरसाइज आपने जब की तो तकरीबन 4-5 राउंड के अंदर करने के बाद सेम उसी तरह आपने टर्न कर लिया दूसरी साइड पे, बेले फैट साइड लव हैंडल जिन्हें कहते हैं वो आपके कवर होंगे। अब इसमें क्या है, कई दफा हम अपने आप को सबसे पहले अपना नहीं मान रहे होते, तो हमें असल में खुद को ऑन करने की जरूरत है, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना तो दूसरों का भी नहीं रख सकते। बिल्कुल, तो इसीलिए पहले ये एक्सरसाइज योगा करें, और फोटोग्राफी चूंकि टॉपिक भी यही है, तो असल में जब आप फोटोग्राफी या ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेस इन चीजों में रिलीज होता है, तो जरा ट्रैवल करें और दुनिया को वाकई एक्सप्लोर करें, और ये वाकई उन्होंने सही कहा कि ये दुनिया के यही रंग है, रंग यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है परवीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तो बड़ी प्यारी है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इतना पोलाइट बोलती है ना, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए चैनल लगाती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, वो मैंने ये योगा के बारे में पूछना था बेटा जी, जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा योगा किया जाए जिससे जोड़ों के दर्द को इफाका पहुँचे। ठीक हो गया प्रवीण साहब, अभी आपको जवाब दे दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। सलाफे जल्दी से, सबसे आसान आज सारा आसान वाला डे है, आपने दीवार के साथ सपोर्ट ली, और सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपने झुक जाना, जैसे स्क्वाट होता है 90 डिग्री, आपको 90 नहीं करना, जिनको प्रॉब्लम है जॉइंट का, आप सिर्फ और सिर्फ आप झुके, उसके बाद अपने एक एक जॉइंट को आप इसी पोजीशन में या सल्यूट में इसको आपने मूव किया, सेम इसी तरह थोड़ी सी लेग को लिफ्ट किया और अपने एंकल्स को आप करना शुरू हो गए रोटेट,
और उसके बाद अपनी अपनी एक एक लेग पर खड़े होने की आदत डाली, फोकस भी आता है और बैलेंस भी दीवार का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि दीवार का सहारा ले सकते हैं, स्पेशली बिगिनर्स दीवार का सहारा लेंगे, और जिनको जॉइंट का इशू है वो दीवार का सहारा लेंगे, अपनी हेल्थ पर रिस्क नहीं लेना। ठीक है। अच्छा नदीम साहब, चूंकि ट्रेवलिंग के दौरान बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कोई एक यादगार चीज जो आपने एक्सपीरियंस की हो किसी भी जगह पर? ये तो है, स्पेशली जब मैं अपना कहता हूँ या हम टीम माउंटेन्स में जाते हैं तो रिस्क ही है। बहुत सफा ऐसा हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से बचे भी हैं और इसी हिसाब से एक्सप्लोर भी किया। बेसिकली फोटोग्राफी है कि एक्सप्लोर करना, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, तो ये चलता रहता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कहीं जगह से फॉल हुए हैं और सडनली कहीं पे पंजा अड़ गया और बच गए, तो ये ऐसे हादसा तो होते रहते हैं। और फिर एक दफ़ा मैं K2 की एक फोटोग्राफ लेने के लिए गया था, तो जब मैं वहाँ पर गया तो वेदर ख़राब हो गया। आपको वहाँ से अशकोले से चल के तकरीबन 4 दिन वॉक करके आप उस पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ से K2 नज़र आता है, तो वेदर की खराबी की वजह फिर मुझे 11 दिन वहाँ पे रहना पड़ा, और 12वें दिन जाके मैंने एक फोटोग्राफ लिया, एक फोटोग्राफ के लिए वो मेरा सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है कि एक फोटो के लिए मुझे 11 दिन डे एंड नाइट सोलो फ्लाइट रहना पड़ा, और फिर उसको लेने के बाद में वापस आया। अच्छा, कोई मैसेज छोटा सा आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ बिल्कुल, फोटोग्राफी बेसिकली एक पैशन का नाम है, स्ट्रगल का नाम है, आपको हर वक्त जुस्तजू करनी चाहिए बेहतर से बेहतर के लिए। और फोटोग्राफी का बेसिकली लाइट है, अच्छी लाइट के लिए एक्सप्लोर करें, अच्छे वक्त पे जाएं और उसको एक्सपोजिंग करें और बार बार विजिट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडस्केप फोटोग्राफर के लिए बहुत जरूरी है कि जिस जगह को उसके एक्सपोज करना है उसके साथ एक पैशन, एक लव करे और उसको बार बार विजिट करे। फिर जैसे जैसे उसके साथ उसका पैशन बढ़ता है, लव बढ़ता है, तो फिर अच्छे से अच्छे फोटोग्राफर से मिलते हैं, और स्पेशली लाइट और सीजन का ख्याल। लवली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नजीर साहब, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा लगा आपका काम देख के, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बताने के लिए। जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, हमें फीडबैक का तो हमेशा इंतजार रहता है, और उसके लिए हमारा फेसबुक पेज 24 आवर्स अवेलेबल होता है, और अगर आपने शो मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।